एबीपीएस न्यूज गांव की स्थिति और आवश्यकताओं को एबीपीएस न्यूज के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का सिलसिला जारी रखते हुए एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद मुजफ्फरनगर के ब्लॉक सदर में स्थित तिगरी गांव पड़ा। वर्तमान में गांव के प्रधान प्रदीप कुमार सैनी हैं। लगभग 3800 की आबादी वाली यह ग्राम पंचायत जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 13 किलोमीटर ही है। लगभग 3000 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। गांव में लगभग 700 राशन कार्ड धारक हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के जूनियर एवं प्राइमरी स्कूल में लगभग 400 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 55 हैंडपंप गांव के प्रधान द्वारा लगवाए गए हैं तथा 10 हैंडपंप सरकार से और लगवाने की मांग है। इसी के साथ ही विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 300 विद्युत पोल, 6 विद्युत ट्रांसफार्मर व 50 सोलर लाइटें भी गांव में लगवाई गई हैं। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में 10 सीसीटाइज रोड, 4 खडंजे, पानी निकासी के लिए नाला, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 आवास, स्कूल में शौचालय व बाउंड्री व स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में सीसीटाइज रोड, बारात घर, स्वास्थ्य केंद्र, शमशान घाट की बाउंड्री, पानी की टंकी, बैंक, पशु चिकित्सालय, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 50 आवासों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं ग्राम प्रधान टिगरी, तहसील मुजफ्फरनगर, मौजूदा प्रधान और ये विकास कार्य जो करवाए हैं वो इंटरलॉक ईट, 2 जो है RCC और अब कल नाली का रिपेयर, सिवेयर, स्कूल में शौचालय, टंकी की व्यवस्था, ये सब करवाई है। और ये कार्य अभी इंटरलॉक लगवा कर बैठे हैं और टंकी की बहुत समस्या, बैंक की समस्या है और शौचालय बहुत कम बने आए थोड़े हैं, आवास सिर्फ 2 मकान आए, आदमी परेशान बहुत हो रहे, 50-60 आदमी परेशान। मेरा नाम आकाश कुमार, ग्राम तिगरी और पोस्ट बप्पा, जिला मुजफ्फरनगर। पिताजी का नाम प्रदीप कुमार और वर्तमान में गांव की जो उपलब्धियां हैं 25 शौचालय प्रधानमंत्री आवास वाले बनाए गए हैं, अब तक 2 RCC सड़कों का निर्माण हुआ है और 10 इंटरलॉक सड़कों का निर्माण कराया गया है, अब तक 50 स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं और 2 आवास लोहिया वाले बनाए गए हैं, लोहिया आवास वाले। स्कूल की 4 दीवारी का निर्माण हुआ है और इंटरलॉक का कार्य किया गया है स्कूल में। मांग है वो इस प्रकार है, 50 आवास प्रधानमंत्री वाले हों बनने चाहिए, 12 घर, स्वास्थ्य केंद्र व पशु स्वास्थ्य केंद्र, शमशान घाट बनना चाहिए, पानी की टंकी लगवाई जाए गांव में, 1 बैंक का निर्माण करवाया जाए।